वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हम एक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे क्वांटम नंबर्स। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर एल की वैल्यू 1 है, इफ़ यू हैव टेकन वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 1, तो मतलब वो पी सब लेवल होगा। क्या होगा? पी सब लेवल होगा। तो पी सब लेवल में क्या होंगे? वैल्यू ऑफ जो एम है, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम बोलेंगे, वो क्या लेंगी? बोलेंगे हम प्लस एल से लेके कहाँ तक, प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो प्लस एल से माइनस एल की वैल्यू क्या होगी? तो क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो एम की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? माइनस 1, 0 और प्लस 1। ये वैल्यूज़ हुई या नहीं हुई? तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये वैल्यूज़ हैं एम की वैल्यूज़। क्लियर नहीं आपको ये बात? जो m की वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन करती हैं डायरेक्शंस। तो ये z को हमने हमेशा ज़ीरो ही लेना है, ये रूल है। क्लियर? क्योंकि z इज़ टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और बाकी वैल्यूज़ को आप जैसे मर्जी चाहें, वो एक ही लेनी है, दूसरी वैल्यू नहीं लेनी उसकी। तो चाहे x को 1 ले लीजिए या माइनस 1 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे क्या है, अगर l की वैल्यू आपके पास 2 है, तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी? m की वैल्यूज़ होंगी माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 और प्लस 2। तो वहाँ भी क्या है, dz स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, और बाकी वैल्यू जो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात? नेक्स्ट ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेन लेवल है, वो होते हैं 2n². तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन लेवल क्या होगा? मेन लेवल मतलब मेल एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो वो आंसर आएगा n का स्क्वायर। क्लियर? श्योर अबाउट दैट? जैसे मान लीजिए दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब लेवल कितने होते हैं? सब लेवल में होगा 2l प्लस 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन लेवल, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब लेवल। दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब लेवल, तो होगा ट्वाइस 2l प्लस 1। क्लियर आपको ये बात? श्योर? तो ये चार फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अब इनका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है बेटे, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो n स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? n स्क्वायर होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होंगे तो वो चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0, 1 और 2। इसका मतलब है 3s भी पॉसिबल है, 3p भी पॉसिबल है, 3d भी पॉसिबल है। तो 3s में अब जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसकी वैल्यू क्या होती है इन्हें सब लेवल? तो सब लेवल में वैल्यू होती है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। तो 3s में क्या आएगा? 3s में l के लिए 0 कर दो, तो 1 ऑर्बिटल, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। 3p में l के लिए 1 पुट करो, आंसर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। d l के लिए 2 पुट करो, d आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 5, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स और 3 8, 8 और 1 9, चेक कीजिए पूरा हो गया। श्योर अबाउट दैट?
ये जो 2L+1 है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब लेवल है, और एम स्क्वेयर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन लेवल। तो जो थर्ड लेवल है उसमें 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से 9? 5 हैं 3D के ऑर्बिटल, 3 हैं 3P के ऑर्बिटल, और 1 है 3S का ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग दैट? श्योर अबाउट दैट? अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट फॉर्मूला है NH/2π। एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिटल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास L L+1 का रूट H/2π। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्बिट की वैल्यू है, ये ऑर्बिटल में वैल्यू है, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, यह अंडर रूट S S+1 H/2π। क्लियर आपको ये बेटे? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है बेटे वो है आपके पास FPO प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं वो है FPO प्रिंसिपल। तो ये बोल रहा है प्रिंसिपल, FPO जो है वो एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का मतलब है बिल्डिंग अप। FPO का मतलब क्या है बेटे, बिल्डिंग अप, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बिल्ड अप स्लोली एंड स्लोली अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। तो बिल्डिंग अप में क्या आएगा, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, द लोअर लेवल्स आर फिल्ड अप फर्स्ट एंड देन द हायर लेवल्स आर फिल्ड। श्योर अबाउट दैट? या दूसरा क्या है, इन ए गिवन ऑर्बिटल और एटम द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N+L आर फिल्ड अप फर्स्ट। क्लियर आपकी बात? ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल फिल करेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे फिर हायर लेवल पर जाएंगे। आर यू गेटिंग दैट? ओके, If two orbitals have same value of N+L, then electron enter that orbitals first which has lower value of n। क्लियर है? जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, जैसे n की वैल्यू अगर 1 है सबको मालूम है l की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1s में जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 है तो l के लिए कौन सी पॉसिबल है, 0 1, तो कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, 2s एंड 2p। अगर n के लिए 3 है, l की वैल्यू 1 0 1 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3s 3p एंड 3d। अगर n के लिए 4 है तो l के लिए कौन सी पॉसिबल है, 0 1 2 एंड 3, तो 4s 4p 4d 4f। श्योर अबाउट दैट? अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बनते जा रहे हैं, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स।
श्योर अबाउट दैट? क्लियर नहीं क्लियर? देखिए इलेक्ट्रॉन पहले क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में एंटर करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 2p में, फिर एंटर करेगा 3s में, फिर एंटर करेगा 3p में, क्लियर, फिर एंटर करेगा 4s में और फिर एंटर करेगा 3d में, क्लियर, श्योर अबाउट दैट? तो 3d में एंट्री करने के बाद तो 3s, ठीक है, तो फिर आएगा आपके पास 4p, फिर आपके पास क्या आएगा 5s। अब आपने इसको कैसे निकाला, तो आप चेक कीजिए पहले यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आपने याद करना है 5s। अब मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको। देखिए जैसे यहाँ पर 2p और 3s है, मान लीजिए एग्जांपल है 2p का और 3s का, तो 2p में n प्लस l के लिए क्या आ रही है, तो 2 प्लस 1 आंसर आ गया 3, n प्लस l आंसर आ गया 3 प्लस 0 ये भी 3, तो यहाँ पर क्या है n प्लस वैल्यू सेम है। तो रूल नंबर 2 पे जाइए, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2 हमें बोल रहा है यहाँ पे दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर दैट ऑर्बिटल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n, तो चेक कीजिए यहाँ पर क्या है, तो n2 इज लेसर देन n3, तो इसलिए n प्लस वैल्यू सेम आने पर भी क्या हो रहा है, 3s जो है वो बाद में फिलअप हो रहा है देन 2p के, सेम टू सेम आप इन दोनों में चेक कीजिए, 3p के अंदर क्या है n प्लस l, तो ये है 3 प्लस 1 है यहाँ पे, 3 प्लस 1 4 है, और 4s में क्या आंसर है, n प्लस l कितना आ गया 4 प्लस 0, तो क्योंकि यहाँ पर 3p में n के लिए लोअर है तो इसलिए क्या होगा n3 लेस देन n इक्वल टू 4, तो इसलिए 3p में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर करेगा फिर 4s में करेगा, तो जहाँ जहाँ n प्लस l की वैल्यू क्या आएगी बेटे सेम आएगी उन सभी केसेस में आप n को चेक करेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको वेरी मच श्योर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? आर यू क्लियर? वेरी मच क्लियर। देखिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप। देखिए पहले क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर व्हाट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर 1s, तो 1s आने के बाद यहाँ बीच से लाइन लगाइए, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एंटर व्हाट, इट विल एंटर 2s, यहाँ से लाइन ले जाइए, फिर क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन विल एंटर 2p, देन 3s, फिर ये देखिए यहाँ पर 3p से फिर 4s, 4s से कहाँ जाएगा वो, 4s से 3d, 3d से 4p, 4c से 5s, 5s से कहाँ जा रहा है, देखिए 5s से जा रहा है ये 4d, 5p, 6s, 6s के बाद कहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से, सीधे सीधा एंट्री मार रहा है 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, 7s से एंट्री कहाँ मार रहा है, चेक कीजिए ये देखिए ये एंट्री मार रहा है 5f में। क्लियर नहीं क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आ रहे हैं देखिए आप ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन जैसे एरो चल रहा है उसी में वो फिलअप चलता जाएगा, क्या होगा फिलअप चलता जाएगा, क्लियर आप हुआ? और ये रूल क्या है, ये रूल इज अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल, अकॉर्डिंग टू व्हाट, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंगली ये चलता जाएगा। आर यू श्योर? ठीक है, तो चेक कीजिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन
आएगा आपके पास 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर उसके बाद 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर 3d, उसके बाद आपके पास 4p, 5s, लाइक दैट। क्लियर आपकी बात? दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप। श्योर? देखिए आप इसको दोबारा चेक कीजिए। देखिए ये एल ज़ीरो की लाइन है, ठीक है नहीं? ये एल वन की लाइन है पी की, ये एल टू की लाइन है डी की, और ये एल थ्री की लाइन है एफ की। ये सर नो, ये एफ के लिए है, ये डी के लिए है, ये पी के लिए है, और ये एस के लिए है। ये आपकी बात। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 1s, 2s, 2p, 3, आप चेक कर लीजिए 3s, 3p, 3d। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? आप चेक कर लीजिए, वैल्यू आपको मिलती जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रहे थे? आप एरो चेक कीजिए, एरो में जो आप वो मजेंटा कलर नजर आ रहा है उसको चेक कीजिए, ठीक है? तो एरो इज गोइंग टूवर्ड्स मजेंटा कलर, ठीक है नहीं? तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले किस में आ रहा है, चेक कीजिए। तो पहले आ रहा है 1s में, फिर आ रहा है 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो देखिए एरो कहाँ जा रहा है, 3p में, फिर कहाँ जा रहा है, देखिए 4s में, उसके बाद 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद चेक कीजिए 5p, 6s, फिर 4f, उसके बाद 5d, 5d के बाद 6p। क्लियर आपकी बात? उसके बाद 7s, तो सो ऑन, ये आपने याद रखना है। क्लियर आपकी बात? आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। तो हम एफ टू प्रिंसिपल को एक बार फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। द एफ टू प्रिंसिपल डिक्टेट्स द मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स लेवल। ठीक है बेटे? तो ग्राउंड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं उसका ये रूल है। अकॉर्डिंग टू द एफ प्रिंसिपल द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विद लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बिफोर द हायर लेवल। कि पहले लोअर लेवल फिल्डअप होंगे फिर हायर लेवल। तो वो कौन है, वो डिपेंड करेगा एन प्लस एल की एडिशन से। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जा रहा है, ये अभी उन्होंने अभी भी किया है यहाँ पे। क्लियर नहीं क्लियर? ये वही है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ठीक है, फिर 2s में, फिर 3p में, फिर 3s में। दिस मस्ट बी इन योर माइंड। ये आपको जो लिखा हुआ सीक्वेंस है ये अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। क्लियर बड़ा आपकी बात? श्योर? इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद रहे। प्रैक्टिसिंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी पर डिफाइन होगा। ठीक है बेटे? क्लियर आपकी बात? तो हम समझ लेते हैं। एक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में मैक्सिमम 6 जाएंगे, डी में मैक्सिमम 10 जाएंगे, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो एस में 0 to 2, पी में 0 to 6, डी में 0 to 10, और एफ में 0 to 14, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एफ प्रिंसिपल है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ एवरी एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है ना? तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग दी एफ प्रिंसिपल। देखिए ये बिल्डिंग, जो बिल्डिंग अप है, इसको आप पढ़ लीजिए 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 4d एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे, देखिए किसके लिए, पहले हम पढ़ते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो पहले में इसमें क्या आएगा, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है वन आएगा। फिर हीलियम में क्या होगा, हीलियम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, तो ये 2 हो गया, कितना हो गया बड़े, ये 2 हो गया। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर है ये बात को? फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर है लिथियम। तो लिथियम में क्या होगा, आपके पास 1s और 2s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले लोअर लेवल पे जाएंगे, देखिए 1s और 2s है, फिर जो बचा हुआ 3rd इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा। फिर आएगा बेरिलियम, इसमें है 1s फिर 2s, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s, आगे करेंगे। श्योर, क्लियर, वेरी मच क्लियर। फिर आप देखिए आपके पास आ गया बोरोन, तो इसमें क्या होगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर 2s2, 4 हो गया, फिर एक बचा किसमें आएगा, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, चेक कीजिए ध्यान से, नेक्स्ट लेवल है 2p, उसमें अब 1 आ गया। अब नेक्स्ट जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसी में आएंगे, 2p में आएंगे, क्योंकि एक तो आ गया, तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल है 2l+1 के हिसाब से 6, ठीक है, क्लियर आपकी बात। दोबारा चेक कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, आर यू ओके विद दैट? जहाँ पे 1s2 लिखा है, रूल है कि जहाँ पे 1s2 लिखा है वहाँ पे आप नोबल गैस लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये कंफिग्रेशन का रूल है कि इन प्लेस ऑफ कंफिग्रेशन अप टू लास्ट नोबल गैस यू कैन यूज़ द सिंबल ऑफ द गैस, आप वहाँ पर गैस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लास्ट नोबल गैस सिंबल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आंसर है प्रीटी मच श्योर। फिर आपके पास आ गया कार्बन का, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट जो नेक्स्ट, अब 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जब तक ये 6 पूरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर करेंगे, तो फिर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, क्लियर आपको? कंटिन्यू बाद कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, फिर क्या है, फिर है फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5, और लास्ट में क्या है, नियॉन, दैट इज नोबल गैस, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर पी पूरा हो गया, मैक्सिमम 6 आने थे आगे, तो ये नोबल गैस कन्फ्यूजन बन गया, फिर दोबारा से 2p6 क्या बन गया, 2p6, ये क्या है, नियॉन गैस का कन्फ्यूजन है, 1s2 2s2 2p6, आर यू श्योर? नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सोडियम का, तो सोडियम में 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, 11 दैट इज, तो यू कैन राइट दैट 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि यहाँ पर फिर तो ये क्या है, नोबल गैस है, तो आप सोडियम का ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s1, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको लिखें या इसको लिखें, दैट इज़ योर प्रोग्रेसिव, ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि हम शुरू शुरू में सीख रहे हैं, अभी लर्निंग कर्व पे हैं, तो हमें पूरा लिखना अच्छा अच्छा, ठीक है कि नहीं? तो ये सोडियम आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लीजिए हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, तो मैंने आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2, तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2, ठीक है बेटे, क्लियर? तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों आप जैसे मर्जी लिखें।
नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा एल्युमिनियम के लिए, तो वो है 13। तो करेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है जी, 3s2, और फिर क्या आएगा 3p1, क्लियर। फिर कैसे लिखेंगे आप बोलिए, तो आंसर आएगा, आप बोलेंगे सर नियॉन इनटू 3s2 3p1, इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर, ये एल्युमिनियम 13 आ गया। नेक्स्ट क्या बेटे, नेक्स्ट है आपके पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 14 है, तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर क्या आएगा बेटे आपके पास, फास्फोरस 15 नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। फिर क्या आएगा, सल्फर 16, व्हाट इज दैट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इधर क्लियर टू यू नाउ? नेक्स्ट क्या आएगा बेटे आपके पास, सल्फर के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, दैट इज 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और फिर क्या आएगा p5। क्लोरीन के बाद जो लास्ट में आया वो क्या आएगा बेटे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन, ये नोबल गैस फिर दोबारा से आ गई, 18। क्लियर आपके बाद, चलेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आर यू क्लियर अबाउट दैट? ये ऑर्गन आ गया, ठीक है। तो ऑर्गन भी क्या है, नोबल गैस है, क्या बेटा ये नोबल गैस। तो बताइए कितना इजी था ना ये, दैट इज टू इजी, क्या बोलेंगे इसको, टू इजी। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पोटाशियम, क्या रहा है बेटे, पोटाशियम आएगा आपके पास, तो कैसे लिखेंगे आप, पोटाशियम दैट इज 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। फिर क्या आएगा, कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद एक कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ। तो ये कैल्शियम तक आपने सीख लिया, कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, इसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम में क्या आएगा, स्कैंडियम में 21 मार्क्स है। अब देखिए यहाँ तक वैल्यू क्या है, यहाँ तक जो वैल्यू है वो तो आपके पास आ गई ऑर्गन की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए आर ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि ये 18 एलिमेंट तो लिख सकते हैं हम, ये एक्सेप्टेबल है। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जो आपको आएगा वो तो आएगा, होना चाहिए कौन सा, होना चाहिए आंसर 4s2, उसके बाद 3d1, क्योंकि स्कैंडियम 21 है, तो मैं स्कैंडियम को दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्कैंडियम जो 21 है वो कैसे होगा, वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये ऑर्गन हो गया। फिर क्या आएगा, आना चाहिए 4s2, 3d1, लेकिन जैसे ही 3d स्टार्ट होगा, जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होगा, 4s विल बिकम आउटर मोस्ट शेल, तो 3d अंदर आ जाएगा, 3d1, और ये 4s2 बाहर चला जाएगा, दोबारा ये एक्सचेंज हो गया। क्लियर नहीं आपको, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 4s2 3d1, लेकिन जो रूल है वो क्या है, बिकॉज 4s नाउ बिकम वैलेंस, जैसे ही d में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होता है, 4s बिकम वैलेंस ऑर्बिटल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एज सून एज 3d स्टार्टेड टू फिल्ड अप, ऑटोमेटिकली 4s जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल लेकर आउटर ऑर्बिटल बन जाता है, क्लियर। तो 4s2 में इलेक्ट्रॉन पहले आया, 3d में बाद में आया, लेकिन रिपोर्टिंग का तरीका क्या है, 3d1 4s2 है, क्लियर। ऐसी स्कैंडियम के बाद क्या आएगा, स्कैंडियम के बाद आपके पास आएगा, ठीक है, टाइटेनियम,
22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, क्लियर नहीं क्लियर, क्या आएगा 3d2, आर यू श्योर? ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है। आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करेगा, लेकिन जैसे ही 3d में फिलिंग स्टार्ट होगी, द 4s ऑर्बिटल बिकम्स द वैलेंस ऑर्बिटल, 3d बिकम्स इनसाइड, 3d चुपके से अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट? नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटे? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर क्या आएगा आपके पास? ऑब्वियस है, वेनेडियम। 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये तीन अभी तक हमने सीख लिए हैं, इनको ध्यान से चेक कीजिए आप। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। अब पहला केस आ रहा है जो एक्सेप्शनल है, वो है क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s, ये लिख के छोड़ दिया। अब होना ये था, लास्ट टाइम देखो क्या है, लास्ट टाइम में ये क्या है, ये 3d3 4s2, ये लास्ट कन्फर्मेशन है, आउटर मोस्ट किसका है ये? ठीक है, किसका कन्फर्मेशन है? ये है हमारे पास आपका वेनेडियम का। ठीक है जी, तो वेनेडियम के बाद तो ये आपके आपके पास ये, तो ये 3d4 होना चाहिए। तो वेनेडियम का जो ऑर्गन 3d3 4s2 है, ये तो ऑर्गन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तो ऑर्गन है। तो नेक्स्ट जो क्रोमियम है वो होना चाहिए था ऑर्गन 3d4 4s2, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेनेडियम जो 23 है और जो क्रोमियम 24 है, तो क्रोमियम में ये होना चाहिए, क्लियर नहीं क्लियर, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता फिर? तो इस केस में जो 4s है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री कर जाएगा, तो जो 4s2 है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3d5 4s1, चेक कीजिए, 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले गया, रीजन क्या है? उससे क्या होगा, 3d जो है वो हाफ फील्ड हो गई, d5 हाफ फील्ड, d ऑर्बिटल बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ठीक है, क्रोमियम को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्रोमियम में कन्फ्यूजन क्या है, तो आंसर है ऑर्गन 3d5 4s1, होना चाहिए था ये वाला 3d4 4s2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल अन जो है हाफ फील्ड नहीं है, यहाँ पर हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, क्या होते हैं बेटे? हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल्स इम्पार्ट्स, क्या करते हैं? इम्पार्ट्स हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी। तो ये एक्सेप्शनल केस है जो आपने याद रखना है, क्या बोले, ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है बेटा कोई बात? मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्रोमियम का ये केस आपने लर्न कर लेना, रट्टे मार लेने अच्छे ढंग से। ठीक है बेटे,
क्रोमियम में आपके पास क्या आएगा, मैंगनीज, क्या आएगा बेटे, मैंगनीज। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। अब चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s में आया, किसमें आया, यहाँ पर s में आया, चेक कीजिए ध्यान से, ये सुनो किसमें आया बेटे, s में ही आया, ठीक है बेटे। तो कितना हो गया 4s2। मैंगनीज का क्या आएगा, आयरन 26। तो ये जो है किसके इक्वल है, आप बोलेंगे सर ये तो ऑर्गन के इक्वल है, तो यहाँ AR लिख दो, यहाँ पे चाहे पूरा का पूरा ही लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक, कितना आएगा 3d6 4s2। फिर लेंगे आप आयरन की बात करेंगे, आप आयरन को दोबारा से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं सर ये लिख दीजिए, आयरन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आयरन के बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा दैट इज कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट है 27, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद क्या आने वाला है, कोबाल्ट के बाद यू विल गेट निकल 28, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू श्योर अबाउट दैट, इनको अच्छे ढंग से लिखिए आप। जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉपर। तो कॉपर में भी आप चेक करेंगे, कॉपर में क्या होना चाहिए, कॉपर में आपके पास होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। ये होना चाहिए था क्यों, क्योंकि निकल में क्या है, निकल में 3d8 है, तो कॉपर नेक्स्ट नंबर है 3d9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, गलत है। अब ये रॉन्ग जो है इसको सही कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फुल्ली फिल्ड डी, क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड डी। तो आंसर क्या आएगा, ये भी एक्सेप्शन केस है, कॉपर भी एक्सेप्शन केस है, इसको भी आपने ढंग से रट्टे मारने हैं कि एस का एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाएगा और वो 3d10 बन जाएगा, 3d10 बन जाएगा वो, ठीक है बेटे। ये 3d10 है, ये 4s1 है, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ये जो आपको हल्का सा इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, कॉपर भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्या है, कॉपर में क्या है, तो आप बोलेंगे फुली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, क्या है, फुली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। तो याद रखिए, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। मैं रिपीट कर देता हूँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ डी एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ डी, ये क्या है, हाईली स्टेबल हैं, क्या बोलते हैं, हाईली स्टेबल। आर यू श्योर, वेरी मच श्योर। नेक्स्ट जो है वो है जिंक के बारे में, तो जिंक है 30, तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, दैट इज जिंक, शुरू कर दैट।
तो ये जो है आपको अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। आर यू श्योर? अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है ये जो एस ऑर्बिटल है, जो हमारे पास एस सब लेवल है और जो मेन लेवल है वो सेम है। ठीक है ना? लेकिन पी में क्या होता है, पी जो सब लेवल है, पी जो सब लेवल है उसमें क्या होगा, उसमें तीन ओरिएंटेशन होते हैं, थ्री ओरिएंटेशन। आप बोल सकते हो कि पी के अंदर क्या होगा, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे क्या होता है, ऐसे डी सब लेवल में क्या होते हैं, पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो पांच ऑर्बिटल्स हैं, ये पांच ऑर्बिटल्स पांच लेवल पे आ जाते हैं आपके, एक दो तीन चार पांच। तो ये फाइव सब लेवल्स हैं और ये थ्री सब लेवल्स हैं, ये आपको जानने हैं। ठीक है? ये तीन ओरिएंटेशन है और ये पांच ओरिएंटेशन है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये आपको मालूम होना चाहिए के पांच ओरिएंटेशन और तीन ओरिएंटेशन किसके होते हैं, पी और डी में। और ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो आप आंसर वो है डी जनरेटिव नेचर के। क्या होते हैं? डी जनरेटिव मतलब इक्वल इन एनर्जी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू क्या होती है, वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन इन तीनों में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके आने के चांस इक्वल होंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है ना? तो इससे एक नया रूल आता है, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो रूल है हुंड्स रूल। क्या नाम बेटे? हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है, हुंड्स रूल की स्टेटमेंट क्या है, हुंड्स रूल की स्टेटमेंट ये है के इन ए गिवन एनर्जी सब लेवल द वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ठीक है? In a manner that pairing of electrons only happens when each orbital contains वन इलेक्ट्रॉन ईच विद सेम स्पिन, विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल मतलब होता है सेम स्पिन। क्या होता है बड़े, ये सेम स्पिन। क्लियर है? क्लियर है? हुंड्स का रूल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होगी जब हर एक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन ईच होगा विद पैरेलल स्पिन, विद सेम स्पिन। आर यू श्योर अबाउट दैट?
इसको समझते हैं हम, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पर चेक किया तो पहला है बोरोन 5 मार्क, तो ये है 1s2 2s2 2p1। तो 1s के अंदर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2p में क्या है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz px py pz। तो किसी एक में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, तो इसमें एक में आ गया, बस खत्म बात। लेकिन जब कार्बन 6 लिखेंगे तो आंसर आएगा 1s2 2s2 2p2, 1s 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर होके आएंगे। लेकिन जब 2p2 करेंगे आप, तो जब तक इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक, ये देखिए px py pz, इन सब में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आपने पेयरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इस पे अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर पेयरिंग में कर दिया इसको, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर आपको ये बात? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन पहले, जब तक ये तीनों के तीनों सब लेवल में, तीनों के तीनों जो सब ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपके पास क्या, नेक्स्ट होगा आपके पास नाइट्रोजन। ये 1s2 2s2 2p3, तो ये 1s2 आ गया, ये 2s2 आ गया, तो p3 में क्या होगा, तो कहीं भी पेयरिंग नहीं हो सकती, कहीं भी पेयरिंग नहीं हो सकती। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी, अब क्या है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयरिंग कहीं नहीं शो कर सकते आप। पेयरिंग तभी होगी जब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये सुन। अब हो गया, अब ऑक्सीजन में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो, क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन है 7 नंबर, 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये 2p3 है, तो 1 2 3, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना O8, अब पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि अब हर एक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन ईच है। तो आपकी मर्जी है, 1s2 2s2 2p4 करेंगे जब आप किसी एक का पेयरिंग कर दीजिए पी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी का पेयरिंग कीजिए, चाहे इसका पेयरिंग कीजिए, चाहे पी एक्स का, चाहे पी वाई का, पी जेड का, ये आपकी मर्जी है। पेयरिंग ऑफ एनी वन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉसिबल। कारण क्या है, डीजनरेटिव है, इक्वल एनर्जी लेवल पे है, तो आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी पेयरिंग कर दो, ठीक है नहीं, क्लियर आपकी बात। तो ये किसका रूल है, ये है हुंड्स का रूल। क्या है बेटा, ये हुंड्स का रूल है कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब हर एक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन ईच होगा विद सेम स्पिन, ठीक है, उनकी स्पिन भी सेम होनी चाहिए, स्पिन भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर है आपकी बात, वेरी गुड। अब देखिए इसको ध्यान देते हैं दोबारा से, कह रहा है इंट्रोडक्शन टू द हुंड्स रूल, तो क्या है इसमें अंदर, कह रहा है एफ बू प्रिंसिपल टेल्स अस दैट लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप फर्स्ट, आफ्टर द लोअर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द हाइयर नेक्स्ट ऑर्बिटल। द प्रॉब्लम विद दिस रूल इज दैट इट डज नॉट टेल अस दैट वेदर 3 2p ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग, ठीक है। तो कारण क्या है उसका, क्योंकि पी एक्स की जो एनर्जी है इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड के, ठीक है। तो क्या है, बिफोर द डबल ऑक्यूपेशन ऑर्बिटल एवरी ऑर्बिटल इन द सब लेवल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड फॉर द मैक्सिमम ऑफ टोटल स्पिन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ऑक्यूपाइड मस्ट हैव द सेम स्पिन, ठीक है।
तो उन सबकी स्पिन भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए ये स्पिन डिफरेंट आ गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखिए 2p में पेयरिंग हो गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखिए उल्टी पेयरिंग हो गई यहाँ पर, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? तो यहाँ पर आपको बात समझनी है कि कहाँ कहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, श्योर अबाउट दैट? तो जब तक जो भी सिंगली ऑक्यूपाइड हैं उनकी सेम स्पिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम स्पिन होनी चाहिए। आर यू श्योर? देखिए यहाँ भी देखिए क्या हुआ, ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर है आपको ये बात? तो जहाँ जहाँ आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप उसको थोड़ा रुक कर ध्यान से एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा लेके समझिए। ठीक है, तो लिखा है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम, इफ टू इलेक्ट्रॉन कम इन कॉन्टैक्ट दे विड शो द सेम बिहेवियर टू द टू मैग्नेट्स टू, सो द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्राई टू गेट एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर पॉसिबल बिफोर दे हैव टू पेयर अप। पेयरिंग तभी होगी जब हर एक के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच होगा। श्योर? तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए एक्सेप्शन टू द रूल इन द ट्रांजिशन मेटल्स। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये दो सिखाए हैं। ठीक है बेटे, बाकी जो है आपको आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तक आप बातों को यहीं रहने दीजिए। ये देखिए ये दो एलिमेंट हैं, इनको मैंने बता दिया आपको, बाकी अभी आने वाले पीरियड्स में आपके साथ डिस्कशन होगा। ठीक है बेटे कि नहीं? अरे क्लियर नहीं क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने, ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। क्या बेटा ये? ठीक है बेटी, देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, वो है पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। क्या बेटे दोबारा समझ लीजिए, कौन सा रूल है ये? पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो रूल क्या है? ये रूल की स्टेटमेंट क्या है? स्टेट्स दैट इन एन एटम और मॉलिक्यूल नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। कौन से चार क्वांटम नंबर होते हैं? एन, एल, एम और एन। कोई ना कोई एक दो है डिफरेंट होती है, एनी वन, चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एन, एल, एम और एन में कम से कम एक में डिफरेंस तो पक्का होगा। ठीक है ना? एज एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन द टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा डिस्पाइट बीइंग सेम वैल्यू ऑफ एन, एल और एम। ठीक है ना? तो एक का क्या होगा? प्लस हाफ स्पिन, दूसरे का होगा माइनस हाफ स्पिन। तो एस जो एल एम और एस जो है इनमें से कोई एक डिफरेंस होता ही है। ठीक है ना? क्योंकि जो सेम ऑर्बिटल में क्या होता है, एन, एल और एम के लिए तो सेम होती है। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हैव दीज नंबर्स। तो ये जो रूल है बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे इन एन एटम, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर हैं चारों के चारों वो सेम नहीं हो सकते। एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। कौन सा रूल है ये? पॉलीज एक्सकल्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2s में क्या है, दोनों की स्पिन सेम है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, काटा लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर दोनों स्पिन देखिए, एक एक आपका ब्राउन में है, दूसरा आपका ग्रीन में है, तो ये एक्सेप्टेबल है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें। एग्जांपल और देखते हैं आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बोरोन है, मान लीजिए 5 नंबर, तो 1s2
2s2 2p1, ठीक है। अब देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें n l m और s के लिए देखिए, इसका n 2 है, इसका भी 2 है, इसका l 0 है, इसका l 1 है, तो ये l डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो m 0 होगा। इसमें क्या होगा, ये आपका 1 पॉसिबल है, स्पिन इसकी प्लस हाफ है, इसकी प्लस हाफ है, तो मतलब इसमें क्या होगा, n और l की वैल्यू सेम नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यू है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर में कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा, डिफरेंट जरूर होगा, डिफरेंट जरूर होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीज रूल। क्या बोलते हैं इसको बेटे, पॉलीज रूल बोलते हैं इसको। श्योर अबाउट दैट, एन में, एल में, एम में, एस में, किसी एक में उसका डिफरेंस जरूर होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर अंडरस्टूड, वेरी गुड।